मुरादाबाद में जारी जिला कृषि औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी द्वारा पंचायत भवन में प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गुरुवार को श्री रामलीला महासंगठन द्वारा रामायण मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। शहर के सभी स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा चौपाई और साज सज्जा प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा के माध्यम से भगवान श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामलीला महासंगठन के संदीप आकांक्षी द्वारा बताया गया कि प्रदर्शनी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। और आज इसी संगठन ने इस जिला कृषि विकास औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के मंच पर एक बहुत सुंदर आयोजन किया है रामायण मेला का। ये रामायण मेला का आयोजन इस भावना के साथ है कि नई जनरेशन में बच्चों में अपनी संस्कृति के संस्कार जागृत हों। आज चौपाई एवं चौपाई गायन की प्रतियोगिता है, चार आयु वर्ग में ही रूप सज्जा की प्रतियोगिता है, जिसमें बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीताराम माता सीता और हनुमान जी के रूप में आए हैं। ये रूप सज्जा प्रतियोगिता है, बहुत 200 से ज़्यादा प्रतिभागी अब तक प्रतिभागी इसमें कर चुके हैं। बहुत सुंदर ये आयोजन हुआ है, पूरे महानगर से इसमें बच्चे आए हैं, विद्यालयों से भी आए हैं और जो कला केंद्र हैं जो और संगीत के केंद्र हैं उनसे भी बहुत सारे बच्चे इसमें आए हैं। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में संस्कार का जागरण हो। जो बच्चे आज फिल्मी दुनिया के गाने सुनकर के और तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें अपनी संस्कृति अपनी अपना धर्म के प्रति जागरण बने, अपनी संस्कृति के प्रति बच्चों में रुझान आए। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं पूरा विश्व राममय हो रहा है, पूरा भारत राममय हो रहा है, तो इसी के अवसर पर ये भगवान राम के को समर्पित ये प्रतियोगिता।